नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर छः से बारह और एन सी आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस चैनल के अलावा आप हमसे एक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो है एन सी ई आर टी पी एम ई विद्या क्लास नंबर छः से बारह इन सभी माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस वेबिनार में जिसमें हम बात कर रहे हैं आजकल ई e टी और आई सी टी उपकरणों पर और आप सभी शिक्षक साथियों को जानकारी दी जा रही है उन सभी आईसीटी उपकरणों की जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा सुगम और सरल बना सकते हैं अपनी शिक्षण सामग्री को और आप बेहतर बना सकते हैं और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं या जो हमारा टूल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमूमन ऐसा कहा जाता है बच्चों को कि खेल खेल में बच्चे जो सीखते हैं वो बातें उनको ज़्यादा याद रहती है और जिस चीज़ पर जिस प्रक्रिया के माध्यम से आज हम ये जो वेबिनार है वो लेकर आए हैं वो भी कुछ उसी से जुड़ा हुआ है विषय है गेम बेस्ड लर्निंग थ्रू बाम बूजल और अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि बामबूजल क्या है अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने विशेषज्ञ के साथ इस आ, समय मौजूद है हम यहाँ पर और ताकि वो आपको बताए बामबूजल के बारे में किस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स इंगेज रहें क्लासरूम लर्निंग में हम सीधे चलेंगे अपने विशेषज्ञ के, के पास जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आप हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एस सी नई दिल्ली से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका खैर मकदम है सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच आपने सभी देखने वालों को हमने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं बाम्बूजल पर आपको मिलवाया हमने हमारे विशेषज्ञ से अब समय है कि आपको मैं बताऊं वो कुछ बातें जिनके माध्यम से आप इस लाइव इंटरेक्शन में यानी कि इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं अपनी सभी प्रश्नों के साथ और सवालों के साथ आप हमसे एक कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस है ट्रेनिंग डॉट हेल्प डेस्क एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाकर वहाँ पर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं जो सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सभी प्रश्न हम तक पहुँचाएँ जितने भी शिक्षक -शिक साथी हमसे जुड़े हुए हैं और हम बात करने वाले बाम भूजल पर सुनने से ही इतना अच्छा लग रहा है गेम बेस्ड लर्निंग थ्रू बैम्बूजल इस विषय पे बात करेंगे तो किस तरह से ये पद्धति खेल में और शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है हम अपने विशेषज्ञ से जानने वाले हैं सुहेल सर हम आपके पास आएंगे क्योंकि इसका जो शीर्षक है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और रोचक है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कॉन्टेंट है आपके पास हमारे आज के इस वेबिनार के लिए आ, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको सबसे पहले जो आपने बताया कि टाइटल हमारा है गेम बेज लर्निंग थ्रू बैम्बूजल तो इसमें जब हम देखेंगे तो कंटेंट की स्लाइड आपके पास आ, आ रही होगी तो इसमें हम देखेंगे गेम बेस्ड लर्निंग क्या है सबसे पहली चीज़ के अगर हम इसको कर रहे हैं तो गेम बेस्ड लर्निंग है क्या एक्चुअली उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और <coughs> जिस वक्त हम इसको यूज़ करना चाहेंगे अपने क्लास में अपने शिक्षण पद्धति में तो उसको हम किन किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बैम्बूजल गेम बेस्ड लर्निंग के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि बैम्बूजल को है क्या एक्चुअली ये टूल क्या काम करता है किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है और कोशिश करेंगे कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे करके दिखाएं कि किस तरह से हम उसमें साइन इन करेंगे किस तरह से हम उसमें गेम्स को खेलेंगे या उसको डेवलप भी करेंगे इवन तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं इसका कंपोनेंट्स के बारे में मैरिट्स डिमैरिट्स के बारे में और जैसे सर आपने कहा कि डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी बताया जाएगा जो कि हमारे सभी आ, व्यूवर दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदेमंद रहने वाला है तो हम आज के इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं सर थैंक यू रेनू जी मैं आ, स्टार्ट करता हूँ तो जैसे कंटेंट आपने देख ही लिया तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेम बेस्ड लर्निंग है क्या एक्चुअली तो गेम गेम्बेज लर्निंग से पहले मैं स्टार्ट करूँगा जॉन डीवी से जॉन डीवी का एक कोट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जॉन डीवी एक प्रख्यात एजुकेशनिस्ट हैं और इनका कहना है कि इफ़ वी टीच टुडेज स्टूडेंट्स वॉट वी टॉट यस्टरडेज वी रॉप दैम ऑफ देय ऑफ़ द टमारो तो अगर हम अपने आ, शिक्षा प्रणाली को देखेंगे पिछले पचास साल में साठ साल में या उससे पहले भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक पर्टिकुलर आ, वे हुआ करता था टीचर्स का जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो सेंटर आ, रहा करते थे और वो अपने जो भी नॉलेज या स्किल्स हुआ करती थी वो डेमोस्ट्रेट करके और आ, आगे बच्चों तक ट्रांजिट किया करते थे हुँ. तो एक आ, वो समय था जब वन वे कम्युनिकेशन हुआ करता था हम टीचर बोलता था और बच्चे सुना करते थे जे. फिर हल्के हल्के चेंजेस आना शुरू हुआ और फिर टू वे कम्युनिकेशन की बात आई के बच्चे भी बोलेंगे टीचर भी बोलेगा बच्चों के दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं जो एग्जामशंस आ रहे हैं जो उनके क्वेश्चन हैं अगर वो कुछ और सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो उनके बोलने के ऊपर ये कहा गया कि बच्चों को भी बोलने देना चाहिए और बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दें फिर उससे एक कदम और हम आगे बढ़े जहाँ पे ये बात आई कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग करेंगे यानी कहने का मतलब यह है कि जो उनके डेली एक्सपीरियंसेस हैं जो उनके क्लासरूम एक्सपीरियंसेस हैं या या उनके घर के एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेसिस पे उनको लर्निंग होगी अब अगर हम बात करें 10 से 15 साल पहले या 2005 के जब करिकुलम फ्रेमवर्क आया था स्कूल एजुकेशन का तो उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई थी और उसमें यह कहा गया था ये एडवोकेट किया गया था उसने उसमें के बच्चों को करके सीखने में यानी लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर एम्फेसिस किया जाए और टीचर को एक फैसिलिटेटर या एक गाइड के तौर पे रखा जाए तो अगर हम पिछली पद्धति के हिसाब से जाएंगे जहाँ पे रोड लर्निंग को इनक्रेज किया जाता था या जहाँ लोड रोड लर्निंग ज़्यादा होती थी तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि उस समय का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था आज का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और खेल आधारित शिक्षा या खेल आधारित अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें उस रोड लर्निंग से बाहर निकल के आना पड़ेगा और जो हमारे क्लासरूम प्रैक्टिसज हैं उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी इवन अगर आप एन ई को देखेंगे तो उसमें भी इंडिजीनस गेम्स के बारे में कहा गया है कि इंडिजीनस गेम्स जो हैं वो आ, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेके आने हैं हमें कंटेंट के साथ उनको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के साथ साथ उनके ऊपर हम क्विज़ेस कॉम्पटिशन वगैरह भी रखेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो लर्निंग उनकी गेम बेस्ड लर्निंग हो सके और गेम के थ्रू वो कुछ ना कुछ सीख सकें तो पहले पुराने ज़माने में जब ओरल ट्रांजिशन हुआ करता था ओरल ट्रांसमिशन हुआ करता था डिबेट्स हुआ करती थी लेक्चर्स हुआ करते थे तो हम उससे एक कदम या ये कहा जाए कि चार कदम आगे निकल के आए हैं जहाँ पे हम गेम बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं और गेम बेस्ड लर्निंग भी दो तरह से हो रही है अब एक ऑन साइट हो रही है यानी जिसको हम ऑफलाइन कहते हैं और एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हमारे पास आ गए हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे कि गेम बेस्ड लर्निंग एक्चुअली है क्या हुँ. तो गेम बेस्ड लर्निंग है गेम बेस्ड लर्निंग जो है हमें तीन कॉम्पोनेंट्स के ऊपर बात करने को कह रही है अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें तो गेम बेस्ड लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ गेम प्ले दैट हैज़ सबसे पहली चीज़ डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिवज़्ज़ एंड लर्निंग आउटकम्स तो हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों को हम क्या सिखाने वाले हैं बच्चों को हम किस तरह का एक्सपीरियंसिस देने वाले हैं ये सारी चीज़ें और उससे बच्चे क्या चीज़ सीखेंगे जो लर्निंग आउट्स आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं बार बार तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे वो चीज़ें हमारी प्री डिफाइंड होनी च, होती हैं गेम बेस्ड लर्निंग में दूसरी चीज़ बैलेंस होता है सब्जेक्ट मैटर और गेम प्ले में यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपने गेम प्ले चला दिया मतलब बच्चों को आपने छोड़ दिया गेम खेलते रहो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलने चले गए फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल खेलने चले गए लेकिन उसके पीछे कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है तो गेम प्ले और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है इन दोनों के अंदर एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि दोनों को एक साथ लेके चला जा सके सकेविलिब्रम होगा जब भी हम आगे बढ़ के उस चीज़ को आ, बच्चों तक पहुंचा पाएंगे तीसरी चीज़ जो कहा जाता है कि सिमुलेशन टू एक्सपीरियंस द लर्निंग दैट इट इज़ टू बी यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन या रियल वर्ल्ड तो जो एक्सपीरियंस वो गेम के अंदर कर रहे हैं ये सिर्फ एक सिमुलेशन है लेकिन उससे जो चीज़ें सीखेंगे वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अपनी डेली uh, लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तैयार हो पाएंगे अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आई थिंक गेम बेस्ड लर्निंग समझ में आ, आ गया होगा कि गेम को सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके और अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को और लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस uh, अपनाते हैं उसको हम गेम बेस्ड लर्निंग कहते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं आगे हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे जैसे अभी इससे पहले भी हमने बात की इसका पहला कंपोनेंट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ब्लूम्स टेस्ट्रोनॉमी की हम बात करते हैं उसके थ्रू हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं एक्सवाइजेड जो भी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं मान लीजिए कि हमें बच्चे को ए बी सी डी पढ़ानी है तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसके जो फेनेटिक्स वगैरह सारी चीजें हैं वो बच्चे को आ जाए तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें गेम के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है कि हमें जो भी कॉम्प गेम बनाना है उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखा जाए कि ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके बाद हमारा गेम मैकेनिक्स की बात आती है गेम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट है उसके अपने एक रूल्स हैं रेगुलेशनस हैं फुटबॉल है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कबड्डी तो है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हॉकी है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन गेम मैकेनिक्स का मैकेनिक्स में आते हैं कि आपका जो गेम है जो भी आप गेम बना रहे हो जिस भी गेम के साथ आप अपने कंटेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो उस उस गेम के प्रिंसिपल्स क्या होंगे उसके रूल्स क्या होंगे उसको रेगुलेशंस क्या होंगे और गेम मकैनिक्स को हम अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं मोल्ड करने का मतलब यह है कि कई जगह पर ऐसा होता है कि जो एक्चुअल गेम के रूल्स हैं वो हम फॉलो नहीं करते जैसे अगर हम पैरालंपिक्स की हम बात करें पैरालंपिक्स में क्या होता है जैसे क्रिकेट है ब्लाइंड क्रिक, ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिकेट खेला जाता है तो उसमें बॉल के अंदर वो कुछ झुंझुनट लगा देते हैं ताकि उनको वो आवाज आ सके उस आवाज़ के साथ साथ वो मूव कर सकें बैटिंग कर सकें फील्डिंग कर सकें बॉलिंग कर सकें तो ये चीज़ें जो है गेम मकैनिक्स के अंदर आएंगी कि जो गेम मकैनिक्स हैं उसके जो रूल्स हैं उसके जो रेगुलेशंस हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर इन, होने चाहिए कि ये गेम जो है किस तरह से खेला जाएगा एक्चुअली किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तीसरा कॉम्पोनेंट जो आता है वो गेम प्ले का आता है गेम प्ले का मतलब ये है कि जो एक्चुअल प्लेइंग टाइम होगा जिस टाइम में आपने 30 मिनट का टाइम रखा है आपने 50 मिनट का टाइम रखा आपने एक घंटे का टाइम रखा आपने पाँच मिनट का टाइम रखा उस बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जितनी भी चीज़ें बच्चे कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें टीचर उनको प्रोवाइड करा रहा है वो सारी चीज़ें गेम प्ले के अंदर आएँगी यानी गेम बेस्ड लर्निंग में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स गेम मैकेनिक्स और गेम प्ले ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और साथ के साथ जब हम गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले में बच्चों का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लानिंग के साथ साथ जो टीचर है या जो अध्यापक है वो एक बैक स्टेज ले लेता है और पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर देता है अगला जो कॉम्पोनेंट है इसका वो फीडबैक एंड असमेंट का है यानी जो हम गेम प्ले कर रहे हैं उसमें बच्चों का असेसमेंट होना बच्चों को फीडबैक किस तरह से दिया जाएगा उसके ऊपर काम करना कि ये ये पैरामीटर्स हम रखेंगे इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को असेस करना है और जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है या जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है हम उसको आ, उसी हिसाब से फ़ीडबैक देंगे ताकि वो आगे उसको इम्प्रूव कर सके फिर पांचवा जो कंपोनेंट है इसका अडेप्टिविटी एंड पर्सनलाइजेशन तो अडेप्टिविटी जो है बेसिकली ये है कि बच्चे की नीड के हिसाब से हम उसका पर्सनलाइज गेम प्लान तैयार करें जो बच्चे हैं हमारे हमें पता चल जाता है कि हमारी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं किस किस तरह के बच्चे हैं तो हम उनके हिसाब से गेम को तैयार करें गेम के रूल्स उनके हिसाब से बनाएं और उन्हीं के को ध्यान में रखते हुए पूरे गेम प्ले को प्रोसेस करें कि स्टार्ट कब होना है कब एंड होना है उसके बीच में कितने ब्रेक होने हैं ब्रेक होने भी हैं कि नहीं होने हैं आपका पॉइंट सिस्टम कैसा रहेगा तो उनकी नीड के हिसाब से और जो प्रोसेस uh, है वो भी बच्चों की नीड के हिसाब से होना चाहिए तीसरी uh, जो लास्ट इसका है वो एनालिटिक्स एंड डेटा की बात कर रहे हैं कि जो भी हम गेम uh, प्ले में गेम बेस्ड लर्निंग में क्या है जो भी प्ले किया जाएगा जो भी गेम प्ले होगा उसमें उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा कि कहाँ पे बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं तो उसको एनालाइज़ करके उनका डायरेक्शन देखा जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा सकते हैं किस डायरेक्शन में इनका इंटरेस्ट है किस डायरेक्शन में इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालिसिस एंड डेटा में आएंगी हूँ तो सर ये तो बात हुई कॉम्पोनेंट की कि क्या क्या कॉम्पोनेंट है गेम बेस्ड लर्निंग की यहाँ पर हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे अगर गेमिफिकेशन की बात करें और गेम बेस्ड लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या भेद है क्या क्या मुख्यतः

गेम बेस्ड गेमिफिकेशन में क्या होता है कि गेम के कुछ पार्ट को कुछ प्रिंसिपल्स को हम नॉन गेम सिनेरियो के अंदर फिट कर देते हैं okay. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं। फिटबिट का नाम आपने सुना होगा फिटबिट hmm. क्या करता है कि वो बैचेस और मेडल्स देता है hmm. और बैचेस uh, और मेडल्स किस लिए देता है ताकि वो आपकी रनिंग को और इनक्रेज कर सके कि आप ज़्यादा भागें hmm. ज़्यादा uh, अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा करें hmm. इसके साथ साथ अगर आपने uh, जो ऑनलाइन आजकल विंडो शॉपिंग चल रही है ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा आप शॉपिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा इसी तरह ये जो है तो आपको डिस्काउंट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वहां पर तो एक प्रिंसिपल को इसके अंदर रखा गया है कि जब आप कोई चीज जीतते हैं कोई गेम जीतते हैं तो आपको कोई अवार्ड मिलता है कोई प्राइज मिलता है तो एक प्रिंसिपल है जो दूसरी चीजों के अंदर इनबिल्ट किया जा रहा है उसको हम गेमिफिकेशन कह रहे हैं कि ये गेमिफिकेशन है उस पर्टिकुलर चीज का ओके। जैसे अगर हम बात करें आ, सेल्स सेल्स के जो आ, लोग होते हैं उसमें उनका लीडरबोर्ड बनाया जाता है हुँ. और उनको बैचेस भी दिए जाते हैं कि आपने आप सिल्वर आपने अचीव कर लिया आपने जो है गोल्ड अचीव कर लिया आपने डायमंड अचीव कर लिया तो ये गेमिफिकेशन का एक पार्ट है हुँ. लेकिन एक्चुअल गेम नहीं खेल रहे हैं हुँ. कर वो अपना काम रहे हैं हुँ. और उनको गेमिफिकेशन के हिसाब से चीज़ों के अंदर अवॉइड किया जा रहा है उनको कुछ ना कुछ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें उनको दी जा रही हैं तो ये गेमिफिकेशन है तो वो जनरल चीजें यहाँ पे हम गेम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे गेम साथ में आ रहा है वहाँ पे गेम साथ में आने की जरूरी नहीं है कि गेम साथ में आए बस तो उसका ये डिफरेंस है उसका कुछ हिस्से कुछ प्रिंसिपल्स को हमने नॉन गेम सिनेरियो के अंदर डाल दिया है ये चीज है गेमिफिकेशन तो ये तो बात हुई गेमिफिकेशन और गेम बेस्ड लर्निंग की सर हम आपसे निवेदन करेंगे कि जिस चर्चा पे आप बात कर रहे थे जो चर्चा कर रहे थे उसे और आगे बढ़ाएं सर आ, इसके आगे बढ़ते हैं हम आ, हमने आ, गेम बेस्ड लर्निंग की बात की कि क्या होता है हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ये क्यों करना चाहिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसकी मैरिट्स क्या क्या हैं तो सबसे पहली जो मैरिट आपको दिख रही है वो इंक्रीज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन है तो आपने शुरू से आपने भी देखा होगा हमने भी देखा है अपने बचपन से देखा है अगर हम अपने बचपन में चले जाएं तो हमें खेलना ज़्यादा पसंद था हम पढ़ाई कम करना चाहते थे खेलना ज़्यादा चाहते थे और ये साइकोलॉजी बच्चों की कभी चेंज नहीं होती ना आज चेंज हुई है ना पहले चेंज थी और ना आगे चेंज होगी क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा जितना ज़्यादा वो खेलेंगे वो उसको इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं तो एक इंक्रीज uh, एंगेजमेंट हो जाता है और मोटिवेशन हो जाता है कि वो इंट्रेंसिकली मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ को खेलने के लिए जब आप बच्चों से अगर आप क्लास में जाके ये कहेंगे कि आज हम पढ़ेंगे तो बच्चे थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं मायूस इन द सेंस के उनको ये लगता है कि यार आज फिर पढ़ना पड़ेगा और अगर आप जाके ये कहेंगे कि आज हम खेलते हैं आज हम कोई गेम खेलते हैं भले ही आप कोई ऐसा गेम खिला रहे हो जिसमें कंटेंट है जो हम गेम बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं ना तो चाहे वो इस तरह का कोई गेम बेस्ड लर्निंग हो अगर आप जाके क्लास में ये कहेंगे कि आज हम खेलते हैं तो बच्चों का जो एंथुजियाज्म होगा वो एक अलग लेवल का होगा तो एंगेजमेंट इंक्रीज होता है बच्चों का बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं मोटिवेटेड मोटिवेशन होता है क्योंकि गेम खेल रहे हैं साथ के साथ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन भी होता है कि उनको कुछ ना कुछ गेम जीतने पे कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा कुछ ना कुछ आ, चीज उनको दी जाएगी चाहे पॉइंट्स के सिस्टम में हो चाहे वो चाहे बैजेस हो चाहे मेडल्स हो कुछ ना कुछ उनको दिया जाएगा उनको अप्रिशिएट किया जाएगा कि उन्होंने ये काम किया है तो उनका एंगेजमेंट बढ़ जाता है उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैरिट तो है वो यही है दूसरी इम्पॉर्टेंट मैरिट है एक्टिव लर्निंग जो हम बा, पहले बात कर रहे थे कि रोड लर्निंग के ऊपर हुआ फिर वन वे लर्निंग वन वे कम्युनिकेशन हुआ फिर टू वे कम्युनिकेशन हुआ तो आज की डेट में क्या कहा जा रहा है कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस तो एक्टिव लर्निंग कब जब होगी जब ही एक्सपीरियंसिस काउंट होंगे जब भी उनको एक्सपीरियंसिस होंगे और एक्सपीरियंसिस की बेस पे वो अपनी लर्निंग को अंजाम देंगे तो ये एक्टिव लर्निंग जो है वो उसी तरह से एक मैरिट है कि हम वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन को निगेट कर रहे हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं और बच्चों के एक्सपीरियंसिस के हिसाब से हम उनके अनुभवों के हिसाब से उनको एक अधिगम कराने की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं तीसरी चीज़ जो इसमें है कोलैबोरेशन एंड सोशल लर्निंग तो जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें टीम गेम होते हैं तो जब टीम में काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं कोऑपरेट करते हैं पीयर लर्निंग होती है और साथ के साथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के टेम्परामेंट को समझते हैं सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो जो कनेक्टिविटी है जो बॉन्डिंग है आपकी अपने पीयर के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ अपने सहपाठियों के साथ वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और कोलैबोरेशन और लेंग, सोशल लर्निंग जो है बच्चों की ज़्यादा होती चली जाती है अगली म, आ, आ, आगे बात करें तो इमीडिएट फीडबैक एंड रिनफोर्समेंट क्योंकि एक इन हमने बताया था कॉम्पोनेंट है कि इमीडिएट फीडबैक और रीनफोर्समेंट बच्चे को मिलता है जो हम एक्सटेंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर रिनफोर्समेंट मिल रहा है उसको मेडल्स के तौर पे मिले चाहे अंकों के तौर पे मिले चाहे आ, टीचर की शाबाशी के तौर पे मिले कुछ भी हो तो वो सारी चीज़ें उसको वहाँ मिलती है और साथ के साथ एक फ़ीडबैक भी मिलता है कि आपने कहाँ पर गलती की कहाँ पर आप ज़्यादा कैजुअल हो गए थे कहाँ पर आपने ज़्यादा एफ़र्ट्स करने चाहिए थे अगर आप ये और ज़्यादा करोगे तो आप जीत सकते हो या इसमें और आप इम्प्रूव कर सकते हो तो एक पर्सनल इमीडिएट फीडबैक मिलता है तीसरी आ, जो आगे एक और मैरिट है वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग की कि इंडिविजुअल नीड को देखते हुए पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी इसमें कराई जा सकती है जैसे हम ऑनलाइन लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए अलग अलग बच्चे के लिए हम अलग अलग गेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं आई टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर स्किल ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं स्किल ट्रांसफ़र में हम कॉग्नेटिव स्किल्स की बात करते हैं जैसे कोई गेम है मान लीजिए गेम में हम वो का कोई गेम है वो हम कर रहे हैं तो स्किल ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है हम गेम के अंदर वो एक्वायर कर रहे हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के अंदर इसी तरह मैथमेटिकल एबिलिटी है मैथमेटिकल एबिलिटी अगर किसी हम आ, गेम के अंदर करेंगे और उसको हम आ, अप्लाई कहाँ करेंगे अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने डेली लाइफ के अंदर डेली एक्सपीरियंसिस के अंदर तो वहाँ पर उस चीज़ को वो करता है टीम वर्क सीखता है बच्चा तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो नॉलेज भी ट्रांसफर होती है और स्किल भी ट्रांसफर होती है जब हम गेम बेस्ड लर्निंग आ, यूज करते हैं अपने क्लासरूम के अंदर सर ये तो बात हुई मेरिट्स की और मुझे लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है गेम बेस्ड लर्निंग के बारे में यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे उन शिक्षक साथियों की तरफ से एक सवाल जानना चाहेंगे जो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोसेस में गेम बेस्ड लर्निंग को लेना चाहते हैं इसे डिवेलप करना चाहते हैं या फिर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें जो उन्हें अपने दिमाग में रखनी है सर उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो उसी को लेके है कि थिंग्स टू तो कीप इन माइंड क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जब हम इसको अडॉप्ट करेंगे अपने क्लास के लिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है तो सबसे पहली बात जो हमारे कॉम्पोनेंट्स में भी थी अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आपका कंटेंट है जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आपका गेम है इन तीनों का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर ये तीनों अलाइन नहीं होंगे तो आपके जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं या जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे तो इसके लिए हमें तीनों चीज़ों को अलाइन करना तीनों चीज़ों को एक साथ लेके आना बहुत ज़रूरी है दूसरा है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कि आपको सारे इंस्ट्रक्शन बच्चों को देने की ज़रूरत है कि आपने कौन से रूल बना रखे हैं किस तरह के रूल बने हुए हैं इस रूल को करेंगे तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे अगर ये करेंगे तो आपको पॉइंट्स कट जाएंगे आपको कहाँ पर चेंज करना है कहाँ पे पॉइंट्स कटने के चांसेस हैं कहाँ पे आपको आ, बोनस मिलेगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन आपका तैयार होने होना चाहिए अगला है क्लासरूम मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लासरूम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन को अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चे अगर सीट पर बैठा हुआ है तो वो डिसिप्लिन है हुँ. तो वो चीज़ यहाँ पर हमें थोड़ा सा मोनोटोनी को उसको तोड़ने की ज़रूरत है बच्चे का गेम के अंदर इन्वॉल्व होना गेम के अंदर इंगेज होना क्लासरूम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है अगर बच्चा इंगेज नहीं हो रहा है और अगर कोई और काम कर रहा है तो वो इनडिसिप्लिन है अगर वो गेम के अंदर थोड़ा बहुत इधर भाग भी रहा है दौड़ भी रहा है कुछ काम कर रहा है और वो उसके अंदर इंगेज है और वो गेम वाला काम ही कर रहा है चाहे उससे उसका मूवमेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो तो वो डिसिप्लिन में है तो हमें क्लासरूम मैनेजमेंट को इस तरह से रखना है कि बच्चा हमारे जो भी हमने इंटरवेंशन दिया है जो भी हमने गेम वहाँ पे खिला रहे हैं हम उसको उस गेम के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें उसके बाद टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऑफलाइन उसके लिए चाहिए गेम्स के लिए तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए हम एक बार चेक चेकलिस्ट बना लें कि ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं और जब हम आ, किसी भी गेम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत होती है फिर अगेन डिफरेंशिएटेड लर्निंग तो यहाँ पे वही नीड बेस्ड लर्निंग की हम बात कर रहे हैं कि हर एक बच्चे की नीड के हिसाब से आपका गेम बना हुआ होना चाहिए अदरवाइज़ कुछ बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा कुछ बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और कुछ बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो डिफरेंशिएट लर्निंग की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अलग अलग तरह के मैथड्स को यूज़ करें अलग अलग तरह के मॉडल्स को यूज़ करें और अलग अलग तरह के गेम्स को अपने कंटेंट के साथ अलाइन करें ठीक है ना उसके बाद फैसिलिटेशन एंड गाइड की बात आती है गाइडेंस की कि बच्चे को फैसिलिटेट भी करना है गाइड भी करना है कि वो इन कंटेंट को इन आ, इन गेम्स को जब हमारा गेम प्ले चल रहा है तो वो किस तरह से खेलेगा उसको मोटिवेट करना है उसको बताना भी है और उसको उस आ, गेम को कंप्लीट भी कराना है तो यहाँ पे टीचर का रोल थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि बच्चे को इनक्रेज करना है उस गेम को खेलने के लिए चाहे उसका Uh, हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट उसमें ना हो किसी और गेम में हो लेकिन जो गेम आपने बनाया पहली चीज़ तो ये है कि डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग के हिसाब से गेम उसी हिसाब से बनना चाहिए जिस हिसाब से uh, उसका इंटरेस्ट है लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको इंक्रेज करने की ज़रूरत है कि अगर टीचर को ये लगता है कई बार कि नहीं ये ये वाले गेम से बेटर आउटकम uh, निकलेंगे हमारे तो फिर बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि उस गेम के ऊपर बच्चों को मोटिवेट किया जाए फिर असेसमेंट एंड इवेलुएशन तो असेसमेंट एंड इवेलुएशन का जो आपका टूल है या जिन बेसिस पे आप जिन पैरामीटर्स के ऊपर आप असेसमेंट और इवैल्यूएशन करना चाहते हैं ये भी डिफाइंड होने चाहिए जब आप किसी भी गेम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फिर कोलैबोरेशन एंड फीडबैक तो यहाँ पे बच्चों को फीडबैक देना बच्चों के साथ कोलैबोरेट करना फर्दर लर्निंग के लिए कि वो किस तरह से आगे की लर्निंग करेंगे उसके उसको ध्यान में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी तो ये तो वो कुछ बातें रही जो सभी शिक्षक साथी को अपने दिमाग में जहन में रखना है जब वो गेम बेस्ड लर्निंग को अपनाएं और उसे अपनी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाए तो so, और क्या बातें हैं जो आप हमारे सभी शिक्षकों के साथ साझा करना चाहेंगे या फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़े सर आई थिंक मुझे डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और हम आगे देखते हैं कि बेम्बूजल के ऊपर किस तरह से आ, ये है अगर आप देखेंगे इसका बेम्बूजल जो है वो इस तरह से इसका लोगो है ये और इसके नीचे इसका लिंक दिया हुआ है बैम्बूज़ल डॉट कॉम तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बैम्बुज़ल का जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर लेते हैं और वो किस तरह से हम लॉग इन करते हैं किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे जी. तो यहाँ पे हम अपने सभी शिक्षक साथी को बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस आईसीटी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं बाम्बूजल की बात कर रहे हैं और सर आप सर ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी बहुत ही विस्तार से आपको बताया इस उपकरण के बारे में और हम चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक अपनी प्रतिक्रियाएं अपने प्रश्न हम तक पहुंचे आप हमें कॉल कर सकते हैं डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन पर या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स हमारे एन सी ऑफिशियल और एन पी ई विद्या क्लास नंबर छः से बारह पर जा सकते हो लाइव चैट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं जो सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि आप अपने प्रश्न भी भेजें आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है हम अप्रिशिएट करेंगे आपके प्रयासों को अगर आप अपना प्रश्न भी हम तक पहुँचाएंगे तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हमारे तक भेजें ताकि हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब दें उसका उत्तर आप तक पहुँचाएँ और वापस हम अपने विशेषज्ञ के पास चलेंगे सुहेल सर के पास जाएंगे जो अब आप सभी को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं कि इस आईसीटी किया जा सकता है जी सर आ, तो देख, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ, आ गया होगा जब हम बेम्बुजल डॉट कॉम एंटर करेंगे तो एक स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी यहाँ पे आ, दो चीजें हैं इसका एक फ्री वर्जन है और एक इसका एक पेड वर्जन है पेड वर्जन को बैम्बुजल प्लस कहा जाता है और फ्री वर्जन जो है वो बेम्बुजल कहा जाता है तो यहाँ पे हम फ्री वर्जन के ऊपर ही बात करेंगे कि हम किस तरह से फ्री वर्जन को मैक्सिमाइज ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं उसका तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो है हम ज्वाइन फॉर फ्री पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे टैब है गेम्स का टैब है ब्लॉक का टैब है प्राइजिंग का टैब है क्लास पिन का टैब है साइन इन का टैब है और जॉइन फॉर फ्री का टैब है तो अगर अभी तक आपने आ, कभी इसको यूज़ नहीं किया है तो हम ज्वाइन फॉर फ्री पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे चार चीज़ें मांगेगा बेसिकली uh, तीन चीज़ें मांगेगा एक को रिपीट करना है सबसे पहली चीज़ कि आपका एक वैलिड ई मेल आपके पास होना चाहिए तो जो ई मेल है उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे ई मेल आई में उसके बाद आप पासवर्ड को एंटर करेंगे और पासवर्ड आपको अपने आप जनरेट करना है किसी कोई ओ नहीं आएगा कोई कोई चीज़ नहीं आएगी आपके पास किसी मोबाइल नंबर वगैरह पे या आपके ई मेल इससे पहले हुँ. आपको पासवर्ड जनरेट करना है और उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है जैसे आप बैंकिंग अगर आपने ऐप्स यूज़ किए हैं तो उसमें वो पासवर्ड को पहले जनरेट कराते हैं और उसको कंफर्म कराते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो पाए तो इसीलिए लिए यहाँ पर भी आप पहले पासवर्ड को जनरेट करेंगे फिर पासवर्ड को कंफर्म uh, पासवर्ड करेंगे और एक यूज़र नेम तो यूज़र नेम आपका कुछ भी हो सकता है आप अपना नाम भी रख सकते हैं आप अपने दोस्त का नाम भी रख सकते हैं आप अपने बच्चों का नाम भी रख सकते हैं जो कार्टून आपको पसंद है वो भी रख सकते हैं कोई वोकेबलरी आपको पसंद है जैसे मैं अक्सर कई जगह पर औसम या इनक्रेडिबल रख देता हूँ तो कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आपका यूज़र नेम हो सकता है तो यानी कि सर जो यूज़र नेम होगा वो आपको उसी नाम से दर्शाएगा वहाँ पर ओके जो यूज़र नेम होगा उसके हुँ. जो जब आप साइट पर जाएंगे तो वही नाम आपका नज़र आएगा वहाँ पे आपका आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी वही हो जाएगी उसके बाद एक चेकबॉक्स है आई एग्री टू गेट ई मेल अबाउट फन स्टफ ऑन बैंबूजल आप इसको क्लिक चेक करेंगे और ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक कर देंगे हुँ. जब आप ज्वाइन फॉर फ्री फ्री पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो आपके ई मेल एड्रेस पे एक एक्टिवेशन कोड आएगा एक एक एक्टिवेशन टैब आएगा तो आपको उसको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आप सीधा साइन इन हो जाएंगे अब जैसे मैं साइन इन कर लेता हूं अपने आप को ये साइन इन हो गया है अब यहाँ पे आप देखेंगे जब साइन इन हो गया तो ऊपर चार टैब हैं आपके यहाँ पे माय लाइब्रेरी गेम्स ब्लॉग्स न्यूज एंड क्लास पिन तो सबसे पहले हम गेम्स के ऊपर जाते हैं यहां पे वो सारे गेम्स है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे और इसमें वो सारे गेम्स हैं जो अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं तो आप इन गेम्स को खेल सकते हैं आप खेलेंगे कैसे पहले आप यहाँ सर्च कर लीजिए जो गेम पर्टिकुलर आपको चाहिए मान लीजिए लैंग्वेज का चाहिए कोई गेम मान लीजिए हम एनिमल्स के ऊपर कुछ करना चाहते हैं एनिमल ठीक है, okay. है? अब एनिमल्स है उसके बाद हमने लैंग्वेज चेक किया तो लैंग्वेज हमने कर दी इंग्लिश ठीक है इंग्लिश के बाद हमने इसको सर्च दबा दिया अब यहाँ पे आपके पास एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी गेम्स इसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे वो सारे आ जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आ, एक ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये यह तीन लाख साठ हज़ार नौ सात सौ चौरानवे बार प्ले किया गया है ये इसी तरह से एक लाख बीस हज़ार आठ सौ बाईस तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि ये आ, कितनी बार किस कितने लोगों ने यूज़ किया है यूज़ कर लिया है ठीक है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से हम इसको प्ले कर देंगे अब प्ले करने में यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की चीज़ें दिखेंगी ये बैम्बूजल है बोलिंग स्प्रिंग अमेरिकन फुटबॉल uh, तो ये बहुत सारे गेम्स हैं जो बैम्बूजल के ऊपर हैं लेकिन बैम्बूजल प्लस यूजर्स के लिए हैं जिन्होंने ये पेड वर्जन ले रखा है ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो फ्री वर्जन है प्ले फॉर फ्री आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले फॉर फ्री तो यहाँ पे हम बैम्बूज़ल को इस, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंडो खुल जाएगा इस विंडो के खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार टीम्स में हम इसको कर सकते हैं मैक्सिमम और आठ टीम इन्होंने इसलिए कर रखी है आठ टीम जो है वो बैम्बूजल प्लस के जो लोग हैं यूजर्स हैं उनके, उनके लिए, है। लिए। okay. इसी तरह से ग्रेड साइज आपका आठ सोलह और चौबीस का फ्री वर्जन के लिए है छत्तीस और अड़तालीस जो है वो पेड वर्जन।, वर्जन के लिए है यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन में सुपर जूम ब्लर इमेज ये बहुत सारे ऑप्शन हैं हाइड स्कोर हाइड गिफ्ट्स पास बटन ये तो ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये भी पेड वर्जन के लिए है फ्री वर्जन के लिए नहीं है पावर अप्स हैं पावर अप्स को आप आ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑन करके रखें ताकि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट बना रहे इसमें पावर अप्स में आप निगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है जैसे आप कैंडी क्रश बहुत सारे लोग खेलते हैं तो कैंडी क्रश में जब तीन को या चार को एक साथ मिला देते हैं तो एक पावरअप पावर, पावर बन जाती है हाँ तो इसी तरह से ये पावर है यहाँ पे जैसे फेरी है तो टेक सम पॉइंट्स तो ये आपको कुछ पॉइंट देके जाएगी नीचे थीफ है थीफ आपसे कुछ पॉइंट चुरा के जाएगा ओके okay. ठीक है तो जो वो बनेगा हमारा ग्रिड बनेगा उसमें ये इनबिल्ट होंगे कहीं ना कहीं पे ये होंगे तो ये करके उसके बाद हम क्या करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पे तीन तरह के गेम्स आपको दिख रहे होंगे कि क्विज गेम है जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन होंगे दूसरा क्लासिक गेम है क्लासिक में क्वेश्चन प्लस पावर अप्स होंगे और तीसरा क्लासिक जूनियर है जहाँ पे क्लासिक होगा लेकिन पावरअप जो है वो इजी वाले होंगे तो हम क्लासिक को चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें पावर अप्स भी हैं जो बीच बीच में कोई आपको सरप्राइज एलिमेंट देते रहते हैं और आपका जो फ्लो है वो चलता रहता है तो हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी हुँ. अब यहाँ पे दो टीम्स हैं मान लीजिए टीम वन और टीम टू हम दो टीम लिए हैं हम इसमें तीन भी ले सकते हैं हम इसमें चार भी ले सकते हैं हुँ. फ्री वर्जन में हुँ. और जो पेड वर्जन है उसमें हम आठ भी ले सकते हैं तो हम यहाँ पे दो टीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक काम करते हैं इसमें एक ऑप्शन और है कि हम टीम वन और टीम टू की जगह इसको हम कस्टमाइज कर लेते हैं यहाँ से जाके ये एडिट का ऑप्शन है तो टीम वन की जगह आप अपना बताइए कि आपकी टीम का नाम क्या रखा जाए सर मेरी टीम का नाम हम रख सकते हैं गोलू हाथी अच्छा। गोलू और या? आपका गोलू है तो मैं अपने इसका मोलू रख लेता हूँ ठीक है जी तो ये हमारी दो टीम्स हो गई एक गोलू की टीम एक मोलू की टीम सर यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे आपने ये गेम हम बस अब शुरू करने वाले हैं तो यहाँ पर कोई क्लास का भी होता है कि क्लास वाइज चेक किया जाए या सिलेक्ट किया जाए चीजों को हाँ वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल का गेम सिलेक्ट कर रहे हैं आप बच्चों के लिए जैसे हमने एनिमल्स किया छोटे बच्चों के लिए आप बड़े बच्चों के लिए अगर कोई गेम है कोई केमिस्ट्री का गेम है केमिस्ट्री के का गेम है मैथमेटिक्स uh, का कोई कोई गेम गेम है 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 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ऊपर तो वो आपके क्लास वाइज हाँ, okay. आप हुँ। उसको हुँ। कर सकते हैं और आगे हम बात करेंगे आप उसे बना भी सकते हैं ओके okay. तो यहाँ पे क्रिएट करने का भी ऑप्शन है हमारे पास तो जैसे अभी पहला जो है वो आपकी टीम का ऑप्शन है यहाँ पे तो आप अपना कोई भी नंबर इसमें सेलेक्ट करिए फिर उसके ऊपर हम देखते हैं क्या होता है सर मैं थर्ड नंबर सेलेक्ट करना चाहूंगा नंबर थ्री जी वट इज दिस अब ये आपके पास एक आ, पिक्चर, पिक्चर आ गई है कि हाँ। ये क्या है हाँ। अब आपको इसका रिप्लाई करना है हाँ। बताइए क्या है सर so, ये रैबिट खरगोश रैबिट है अगर हम इसको चेक करते हैं ये चेक किया हमने आंसर हाँ। आपका सही है हाँ। ये यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है ये पांच नंबर का क्वेश्चन था हाँ। तो अगर आपका सही है तो हम इसको ओके करेंगे अगर गलत है तो ऊप् पे करेंगे ओके अगर ओके करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर हम नहीं करेंगे तो नंबर 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 नहीं नहीं तो मिलें। नहीं मिलेंगे ओके okay. है अब मैं आ, मैंने 10 किया हुँ. ये दस का क्वेश्चन आपका पांच नंबर का क्वेश्चन था अच्छा ठीक है अब ये है स्नेक हुँ. अब हम इसको चेक करेंगे ओके okay करेंगे हुँ. स्नेक ही है ओके okay किया तो मुझे दस नंबर मिल गए हुँ. इस तरह से हम इसको खेलते रहेंगे हुँ. और हमारे पास वन बाय वन जैसे आपकी बारी आएगी आप खेलेंगे मेरी बारी आएगी मैं खेलूंगा इसमें से पावर अप्स भी हो सकते हैं कोई से अच्छा आ, अब वो हमारे चांस के लक के ऊपर है कि हमारा थी. पावर कौन सा निकलता है जैसे अगर हुँ. आप बताएं कोई और सा अगर हम खेल नंबर देखें तो बताइए कोई नंबर इसमें से सर नंबर छः नंबर छः इसमें भी क्वेश्चन आया है अभी ठीक okay. है तो ये हुँ. क्या है ये ठीक जी. है तो हुँ. ये ओके हो जाएगा आपका

अब हम वापस चलते हैं ये हमने गेम स्टार्ट किया था हमने यहाँ से हम इसको प्ले कर रहे थे रामबूजल पे आ गए अभी हम इसको दो ये सेम रख रहे हैं हम इसको कम कर देते हैं आठ और हम एक चीज और करते हैं जब हम ग्रिड देख रहे थे ग्रिड पे आपको नंबर दिख रहे थे हम नंबर की जगह यहाँ पे कुछ थीम्स भी लगा सकते हैं अच्छा जैसे बहुत मोनोटोनस हो जाता है बच्चे कई बार तो मतलब वो पॉजिटिव भी है कि बच्चों को काउंटिंग आ रही है लेकिन बच्चों के अंदर चेंज लाने के लिए हम कुछ थीम्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे ये है स्पोर्ट्स है क्लोथिंग है सी वर्ल्ड है अराउंड द वर्ल्ड है वेलेंटाइंस डे है टेडी बेयर है म्यूजिक है पायरेट्स है यूनिकॉर्न है तो हम इसमें स्पोर्ट्स को कर लेते हैं हमने इसको क्लिक किया और फिर हम आ गए अगेन क्लासिक के ऊपर तो अब आपको जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा ओके okay. अब आपकी टीम वन टीम टू वो अगेन हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं इसको अब आप इसमें से कोई सा भी जो भी आपको दिल करे वो वाला और इसमें क्या चीज हो रही है एक तो उनकी बच्चों की वकेबलरी यहाँ से भी बढ़ रही है जब वो कोई द, आ, करेंगे किसी भी को भी जैसे इसको मैं अगर करूँ बॉक्सिंग के ऊपर किया मैंने व्हाट इज दिस तो मुझे पता है कि वो बॉक्सिंग है हो सकता है इनिशियली मुझे ना पता हो लेकिन टीचर जब उसको कहेगा कि बताओ कौन सा वाला बॉक्सिंग वाला करोगे एरो वाला करोगे हॉकी वाला करोगे तो वो वहां पे भी वो, वो कैबलरी बढ़ रही है और एक इंटरेक्टिव वो बन रहा है बच्चे जो है आ, बोर नहीं होंगे क्योंकि वो पिक्चर्स जो है वो चेंज हो रही है आप नंबर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि नंबर तो वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो चेंज मिल रहा है उनको तो यहाँ पे भी अगेन वही इसी तरह से चेक करेंगे हम और ओके okay. नंबर का क्वेश्चन है ये आ गया ठीक है तो ये अब टीम वन पर आ गया टीम टू का हम किसको देखें सर हम आर्चरी देख सकते हैं आर्चरी देख सकते हैं क्या चीज है सील ठीक है इसको करते हैं अब हम सर समय हमारे पास कम होता अच्छा, जा रहा है हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे आपने बताया कि इसमें जो है टीचर्स गेम बना, बना भी सकते हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी शिक्षक है वो किस तरह से गेम बना सकता है सर बिल्कुल तो गेम खेलना हमने साइन इन करना देख लिया गेम खेलना सीख लिया अब हम गेम को बनाना सीखेंगे तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी पे जाएंगे माई लाइब्रेरी पे और यहाँ पे हम गेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ गेम है स्टेट्स एंड कैपिटल जैसे मैंने बना रखा है समर क्लासेस के लिए मैंने बना रखा है फिलोसफी एक मैंने बना रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जहाँ प्लस का साइन आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये नए गेम के लिए आपका खुल जाएगा okay. अब जो भी गेम आपको बनाना चाहते हैं मान लीजिए आप आ, आप बताइए किसके ऊपर गेम बनाना चाहेंगे आप बच्चों के लिए सर हम सोशल साइंस बना सकते हैं सोशल साइंस में क्या सोशल साइंस में हिस्ट्री पे कुछ हिस्ट्री पे कुछ बनाते हैं तो चलिए हिस्ट्री के ऊपर हम बना लेते हैं यहाँ पे तो हमने टाइटल हिस्ट्री दे दिया हाँ जी। अगर यहाँ से यहाँ पे दो चीजें हैं अगर आप इसको इमेज को इमेज लाइब्रेरी इनकी अपनी भी है और ब्राउज करके आप अपने सिस्टम पे से भी कोई इमेज उसको अंदर डाल सकते हैं डाल सकते। तो इमेज लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो इस तरह से आपको जी आई एफ स्टीकर्स वगैरह सारी चीजें दिख जाएंगी तो इसमें से आप कुछ भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से ब्राउज करने के बाद जिस तरह से हम ब्राउज करते हैं कोई भी चीज़ कोई भी जो आपका वो है पिक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगी तो यानी जो आपका टाइटल है टाइटल के साथ वो पिक्चर दिखेगी हुँ. यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा कि हम हिस्ट्री में क्या करने वाले हैं मान लीजिए हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना चाह रहे हैं ठीक है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर हमें गेम बनाना है या क्विज बनानी है हुँ. फिर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इवन की यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो मराठी ठीक है मराठी आपको दिख जाएगी बहुत सारी है बंगाली है तो इसके अंदर भी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं तो अभी हम इ, आ, इसी के ऊपर चल रहे हैं हम इसे इंग्लिश में ही करते हैं फिलहाल उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट तो आ, जो आपका फ्री वर्जन है उसमें आप पब्लिक के ऊपर ही करके और मेक गेम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका गेम सेव हो जाएगा अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ मान लीजिए ओके okay. सर तो हम इसमें uh, करके भी डाल सकते हैं क्वेश्चन करके, हाँ, करके आप डाल सकते हैं लेकिन बैंबुजल प्लस में ओके okay. यहाँ पे अगर आप देखिए क्वेश्चन डाला आपने यहाँ हुँ. पे आंसर डाल दिया हुँ. यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस का एक ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आ रहा है तो एक जो है आपका ग्रीन है बाकी दो, तीनों रेड है तो रेड इसलिए है क्योंकि आपने बेम्बूजल प्लस नहीं ले रखा अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बल्कि आ भी गया देखिए ऊपर लिखा हुआ अनलॉक बेम्बुजल प्लस अगर हुँ. हमें मल्टीपल चॉइस करना है हुँ. तो अनलॉक बेम्बुजल प्लस करना पड़ेगा अदरवाइज हमें यहाँ पे कोई आंसर एक लिख के और उसके फिर आंसर लिखने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर बीस नंबर पाँच नंबर पंद्रह नंबर पच्चीस नंबर तक हम जा सकते हैं और इसमें एक ऑप्शन ये है क्वेश्चन विद इमेज और आंसर विद इमेज क्वेश्चन आप उसके साथ देना चाहते हैं या आंसर आप इमेज के साथ देना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं यहाँ से अपलोड कर करके आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन तो ये इस तरह से यहाँ पे आपकी एक लाइब्रेरी बन जाएगी क्वेश्चंस की और वो गेम आपका तैयार हो जाएगा और फिर उसको आप उसी तरह से प्ले कर सकते हैं जैसे हमने बाकी गेम प्ले किए हैं है। तो सर कितने सवाल हम इसमें डाल सकते हैं सर कोई ऐसी लिमिट है इसमें सवालों की सच लिमिट बहुत तो नहीं है मतलब आ, बीस के आसपास आप क्वेश्चन डाल सकते हैं बैंबुजल प्लस में जो है वो और ज्यादा लिमिट आपकी बढ़ जाती है तो पेड वर्जन में ज्यादा है और फ्री वर्जन में कम है थोड़ा कम है सर so, यहाँ पे मैं आपसे ये भी बात जानना चाहूँगी जैसे हमारे शिक्षक साथी ने कोई गेम या क्विज बनाई बच्चों के लिए सेवन स्टैंडर्ड के लिए या एट्थ स्टैंडर्ड के लिए वो बच्चों के साथ क्या है? सिर्फ क्लासरूम में कक्षा में ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको और भी तरीके हैं शेयर करने के से नहीं ये ऑनलाइन भी शेयर हो सकते हैं जैसे जब हम गेम्स की बात कर रहे हैं अभी मैं यहाँ पर गेम्स दिखाता हूँ आपको जैसे ये गेम्स हैं हमारे जब हम गेम करेंगे जैसे हिस्ट्री का है ये तो यहाँ पे आपका शेयर का ऑप्शन आएगा हम्म तो शेयर जब आप कर रहे हैं तो एक क्लास पिन आता है जब आप पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए दे रहे हैं लेकिन ये बैम्बूजल प्लस वालों के लिए है अगेन फ्री अच्छा। वर्जन नहीं है लेकिन फ्री वर्जन गूगल क्लासरूम अगर आप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं ट्विटर यूज़ कर रहे हैं मेल यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को लेके आप उन वहाँ पे ये शेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से लिंक वहाँ चला जाएगा बच्चों के पास और वो इस गेम को खेल सकते हैं ओके okay. और एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टडी का एक और ऑप्शन होता है तो स्टडी के ऑप्शन में क्या आता है कि स्टडी के ऑप्शन में स्टेट्स एंड कैपिटल्स है इसमें जब हम स्टडी का करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे खुल जाते हैं अब हम इसको देख रहे हैं विच इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता तो ये हमें स्टडी भी करा रहा है विच इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र तो यहाँ पे हमने ओके okay किया तो यहाँ पे हमारा एक बढ़ गया पॉइंट मिल Point गया पॉइंट मिल गया और हम इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि किस बच्चे ने कितना सही किया है या गलत किया है तो यहाँ पे हम स्टडी के हिसाब से भी इसको दे सकते हैं ओके okay. तो सर ये तो काफी बातें हुई जो कि इस ऐप से जुड़ी हुई है बाम की हम बात कर रहे हैं आपने इतने मैरिट्स बताए हम अब जाते जाते आपसे इसके कुछ डीमारिट्स के बारे में भी बात करना चाहेंगे क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डीमारिट्स की वर्गीकरण में आती हैं सर देखिए डीमेरिट्स एक पुरानी कहावत है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है जी तो डी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं डीमारिट एक सबसे ज़्यादा जो एक्सेस की जो डीमेरिट है वो है कि अगर आप इसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है फिर आपको जुडिशली uh, ये चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं हर जगह पे यूज करेंगे तो बच्चा फिर वही उससे बोर होना शुरू हाँ, हो जाएगा और आपको फिर किसी और चीज को देखना पड़ेगा तो हमें जुडिशियली इसको यूज करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके पॉजिटिव को देखना है अगर हम पॉजिटिव्स को देखेंगे तो निगेटिव अपने आप कम लगेंगे कम लगेंगे। जी। तो जो पॉजिटिव्स हैं और जिस चीजों से हम बच्चे की लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है जी तो सर ये तो बात हुई इसकी डिमार्ट की बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है तो वो आपको ध्यान में रखना है जाते जाते क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमारे सभी शिक्षक साथी के साथ साझा कर करना चाहेंगे बिल्कुल साझा करना चाहूँगा मैं सिर्फ आ, ये कहना चाहूँगा कि हमें आ, क्योंकि हमारे जनरेशन से और आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ ज़रूरी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें गेम्स के ऊपर या हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है हमें अपने पुराने जो सिस्टम चलता चला आ रहा है उसको छोड़ के और नई चीज़ों को इनोवेशन्स को और इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जी तो सर ने ये बात बहुत ही अच्छी कही क्योंकि हम समय में आगे बढ़ रहे हैं तकनीक का सहारा लेकर हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम और बेहतर बना, बना सकते हैं आकर्षक बना सकते हैं क्योंकि समय बदल रहा है तो क्लासरूम और कक्षा भी बदल रही है तो उस हिसाब से ज़रूर ढलना चाहिए और समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं पर जाने से पहले सोहेल सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो वेरी मच कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से बामबूजल पर इतनी अच्छी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को कहेंगे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पूरे सत्र में वेबिनार में हमारे साथ बने रहे एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे हम ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जिसका नाम है सहयोग जिस हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल वेलबींग well पर और पूरी कोशिश करते हैं उनको साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने की आज का हमारा शीर्षक रहेगा मेकिंग दी अडोलस स्टूडेंट्स रेडी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एग्जामिनेशन के लिए तो सभी आपको प्रिपेयर कराते हैं लेकिन एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता है जो आउटकम है उसके लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें किस तरह से आपको चीज़ें को डील करना है उनको बनाना है और संभालना है ये आपको बताया जाएगा इस सत्र में आप अपना साथ ज़रूर बनाएँ और जाते जाते हम आपके साथ और आप सभी देखने वालों को ये ज़रूर कहेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है और आप भी इस महापर्व का हिस्सा बन सकते हैं मतदान के द्वारा आप सभी का वोट कीमती है और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें जितने भी दर्शक 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं आप वोट करने ज़रूर जाएं और इस महापर्व का हिस्सा बने ना कि ना सिर्फ आप जाएं बल्कि आप अपने सभी प्रियजनों को अपने साथ लेके जा सकते हैं इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति आप बने रहें ई विद्या चैनल्स और एन ऑफिशियल यूट्यूब के साथ साथ एन सी ई विद्या पर भी नमस्कार